बड़ा ही जबरदस्त कोहरा हो रहा है। अभी मैं जंगली रिजॉर्ट जा रहा हूँ तो बीच बीच में पैच होते हैं जब बिल्कुल कोहरा हट जाता है, और फिर बीच बीच में काफ़ी कोहरा आ जाता है। तो ये इस सीजन का पहला कोहरा देखा है मैंने, और गाड़ी एकदम धीमी कर ली है मैंने। देखिए पैच खत्म हो गया, फिर आया और थोड़ी देर में कोहरा फिर गायब हो जाएगा। तो अब ये देखिए कोहरा खत्म हो गया, तो थोड़ी देर में कोहरा आता है और फिर गायब हो जाता है, एकदम क्लियर हो जाता है। तो जब कोहरा आ जाए तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि डिपर पे गाड़ी चलाएं। डिपर पे चलाने से क्या होता है कि कोहरे की जो एकदम जो आदमी ब्लाइंड हो जाता है वो नहीं होता। और दूसरी सेफ्टी ये है कि गाड़ी को राइट हैंड साइड पे रखना चाहिए, लेफ्ट पे नहीं, क्योंकि भले ही आप गाड़ी धीमी चलाएं तो जो ये ओवरटेकिंग लेन होती है इस पे रखनी चाहिए, क्योंकि जो भी गाड़ी स्टेशनरी होगी, जो खड़ी होगी, वो लेफ्ट में ही होगी, और अगर आपको दिखेगी नहीं तो आप जाके टकरा सकते हो उसमें। जितनी चलने वाली गाड़ियां हैं वो राइट हैंड पे ही चल रही होंगी, तो लेफ्ट पे गाड़ी रखने की गलती नहीं करनी चाहिए कोहरे में, राइट पे रखनी चाहिए। अभी तो खैर कोहरा नहीं है लेकिन फिर से लहर आएगी। बाहर का टेम्परेचर है 7 डिग्री, अभी 6 था, अभी 7 हो गया है। अभी सुबह के 7 बजने वाले, जंगल में एंटर किया मैंने, अभी भी वाइल्ड लाइफ दिख सकती है। ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। ये स्पॉट है हाथियों का, यहाँ हाथी बहुत मिलते हैं, और ये जो टाइम होता है इसमें हाथी वापस जंगल में जा रहे होते हैं रात भर घूम के, शाम को निकल आते हैं सनसेट के बाद मूवमेंट के लिए, और उसके बाद घने जंगलों की तरफ चले जाते हैं। हाथी था यहाँ पे एकदम थोड़ी देर पहले ही, गोबर पड़ा हुआ है काफी सारा, यहाँ से निकल के गए अभी अभी हाथी। ये वो स्पॉट है छिल्ला डैम की तरफ जाता है, और ये एक चेक पोस्ट है फॉरेस्ट वालों के, लेकिन पुलिस वाले भी यहीं बैठते हैं जब कोविड टेस्ट या कुछ भी चेकिंग के लिए बैठते हैं, तो पुलिस वाले यहीं बैठते हैं। सुबह हो चुकी है, ऊपर आकाश को देख के लगेगा आपको, और क्योंकि सर्दियों के दिन है 7 बजे तो अच्छा खासा उजाला हो जाता है, लेकिन सर्दियां हैं तो अभी भी रात लग रही है। अब एक रिवर बेड आने वाला है इसलिए थोड़ा थोड़ा सा कोहरा सा दिख रहा है। पानी ज्यादा नहीं है उस रिवर में लेकिन कोहरा तो बन ही जाता है उसकी वजह से। सामने दिख रहे हैं फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, और उसके पीछे से सूरज उगने की तैयारी कर रहा है, एकदम लाल लाल जो विंटर लाइन टाइप की होती है वो दिख रही है, हालांकि वो शाम को होती है। ये थी वो नदी, देखिए इसमें पानी बहुत कम है लेकिन इसकी वजह से कोहरा बन जाता है। आकाश में चंद्रमा भी है और पीछे से सूरज की लालिमा है। अभी अभी एक बहुत बड़ा डियर निकल के गया है, शायद और भी होंगे। चिल्ला सफारी गेट आ गया, जो बैरियर दिख रहा है ये सफारी की तैयारी हो रही है। सुबह मॉर्निंग सफारी जिप्सी वाले जा रहे हैं और ये लोग वेटिंग में हैं। बाकी ये सारी जिप्सियां हैं, ये चिल्ला हाइड्रो पावर दिख रहा है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है।
पीछे सूरज उगने की तैयारी में है। ये जो बैरियर से दिख रहा है ये नया गेट है सफारी का, और ये है ब्यूटी चिल्ला हाइड्रो पावर की। चार टर्बाइन है इसमें, वो चारों दिख रहे हैं आपको, उसके गेट नहीं, उसके नीचे टर्बाइन है अंडरग्राउंड। इसके अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। ये पिकनिक स्पॉट है ऋषिकेश और हरिद्वार के लोगों के लिए, और बस इसके बाद फिर वो नहर आ जाती है चिल्ला कैनाल, जिसके बाद फिर हम जंगली रिजॉर्ट जाते हैं। ये डैम के ऊपर का सीन, पानी गिर रहा है। ये आ गए हम कैनाल पे, जंगल में एंटर कर चुके हैं, और गाड़ी में टेम्परेचर दिख रहा है 5 डिग्री, बाहर का टेम्परेचर है 5 डिग्री। अब अच्छी खासी सुबह हो चुकी है, लेकिन गाड़ी का जो टेम्परेचर है वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा है बाहर। इसका मतलब टेम्परेचर, क्योंकि नदी का पानी पास में है, यहाँ टेम्परेचर और गिर गया है। ये खड़ा हुआ है, अभी हाथी आया था, हाथी की पोटी पड़ी है। और ये जो टाइम है, ये हाथियों का बहुत मूवमेंट का टाइम है। इस टाइम पे तो रेगुलर हाथी घूमते ही घूमते हैं इस इलाके में। मैं पहुंच गया हूँ विंध्यवासिनी माता के मंदिर, अभी मैं दर्शन करने भी आऊँगा, जंगली रिजॉर्ट हुआ हूँ और माता के दर्शन करने आऊँगा। और ये सोहनलाल जी की बतके हैं, एक के मुंह में कैप पहनाई हुई, लगता है काटती बहुत है ये। और ये गर्मा गर्म समोसे तैयार होने जा रहे हैं, और पुष्कर ने कुछ लिस्ट भेजी है तो वो सब्जी खरीद लूँ यहाँ से और फिर जाता हूँ, क्योंकि आज गेस्ट भी आ रहे हैं जंगली रिजॉर्ट में। ये है भुकंडी समिट, जो उस दिन हमने ट्रैक किया था। अगर आप YouTube पे लिखोगे भुकंडी समिट ट्रैक तो आपको दिख जाएगा वीडियो, मैं आई बटन में लिंक भी दे दूंगा। ये हमारा रिजॉर्ट है, शंकर जी का मंदिर, वो कॉटेजेस दिख रही हैं, और उसके ठीक ऊपर ये जो चोटी दिख रही है ये है भुकंडी समिट ट्रैक। अच्छी खासी ऊंचाई है, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप आए, आपके पास टाइम हो, तो ये वाला ट्रैक जरूर करिए। इसके दो ऑप्शन हैं, एक तो यहाँ से ऊपर हिमालय दिखता है, चौखंबा दिखता है थोड़ा आगे जाके, वो देख के आप वापस इसी रूट से वापस आ जाएं। दूसरा ऑप्शन है कि आप वहां से जाके, ऐसे जाके वहां से घूम के इस पहाड़ से वापस आए। दो ऑप्शंस होते हैं, तो ट्राई करिएगा। दोस्तों पहुंच गए जंगली रिजॉर्ट, वो सामने अपना वॉलीबॉल कोर्ट है। अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम।